हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था, हमने एकोडांस के बारे में पढ़ा था इन एम्फीबिया। आज के वीडियो लेक्चर में हम रेप्टाइल्स के एक ऑर्डर को लेंगे, दैट इज ऑर्डर क्रोकोडाइल। अब क्रोकोडाइल नाम आ गया तो उससे आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे क्रोकोडाइल्स के बारे में हमें पढ़ना है, क्रोकोडाइल्स के बारे में हमें स्टडी करनी है। सो रेप्टाइल्स के अंदर ही आते हैं और इनको लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल्स कहा जाता है। जो भी रेप्टाइल्स मौजूद हैं उनमें सबसे बड़े साइज के यही रेप्टाइल्स हैं जो कि लिविंग हैं, ठीक है। एंड दे फाउंड इन फ्रेश वाटर, तो दे आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होने के साथ ही साथ ये प्रीडेटरी नेचर के होते हैं। प्रीडेटर्स मतलब शिकारी जीव होते हैं, शिकार करना पसंद होता है। जो भोजन प्राप्त करते हैं वो शिकार करके प्राप्त करते हैं, ऐसा नहीं कि पानी के अंदर बैठ के पानी पी रहे हैं जिंदा है, नहीं, शिकार करते हैं और सर्वाइव करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो इनकी जो बॉडी है वो एपिडर्मल, बहुत थिक एपिडर्मल स्केल से बनी हुई रहती है, जिससे इनका एक्सोस्केलेटन बनता है, बाहरी स्केलेटन बनता है, ठीक है। बॉडी इज कवर्ड बाय थिक स्केल से बनी हुई होती है, ओके। इनके एपिडर्मिस जो मॉडिफिकेशन है उसी से बनती है। थिक एपिडर्मल स्केल से बनती है एज देयर एक्सोस्केलेटन, एज एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन के रूप में ये जो स्केल्स है ये मौजूद रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें टीथ जो होते हैं, उनके दांत जो होते हैं वो थेकोडोंट टाइप के होते हैं। टीथ आर थेकोडोंट। थेकोडोंट बोलने का मतलब होता है वैसे टीथ जो पूरी तरह से, मतलब उनका जो बेस है वो पूरी तरह से किसी सॉकेट में घुसा हुआ हो, जो उनका बेस है वो पूरी तरह से जबड़े के अंदर धंसा हुआ, उसको बोलते हैं थेकोडोंट। जैसे कि हमारे टीथ होते हैं जबड़े से, जबड़े के अंदर धंसे हुए ना हमारे टीथ, मतलब जो हमारे टीथ का बेस है वो जबड़े के अंदर, जॉस के अंदर, मसूड़ों के अंदर। सो उसके बाद अगर हम बात करें दे आर एम्फीबियन इन नेचर, दे आर एम्फीबियन इन नेचर, दे आर एम्फीबियन इन नेचर के बोलने का मतलब एम्फीबियन, एम्फीबियन जो नाम पड़ा उसके ऊपर, एम्फी एम्फीबिया का मतलब होता है वैसे ऑर्गेनिज्म जो अलग अलग हैबिटेट में रह सकते हैं, लैंड पे भी रह सकते हैं, वाटर में भी रह सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं, उनको बोलते हैं एम्फीबियन। सेम गोज फॉर क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में एम्फीबियन है, लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और एक्वेटिक भी होते हैं, ऐसा पता है ना। क्रोकोडाइल ऐसा तो है नहीं कि पानी से बाहर निकलेंगे तो छटपटा के मर जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता। सो क्रोकोडाइल जो है वो पानी के अंदर भी रहते हैं और पानी के बाहर भी रहते हैं, दैट्स व्हाई दे नोन एज एम्फीबियन इन नेचर। एम्फीबिया का मतलब ये होता है वैसे ऑर्गेनिज्म जो बाहर और मतलब पानी के बाहर, पानी के अंदर दोनों ही रह सकते। उसके बाद अगर हम बात करें एंटीरियर पार्ट जो है बॉडी का वो स्नाउट की तरह रहता है, एंटीरियर पार्ट ऑफ बॉडी इज हैज स्नाउट। स्नाउट मतलब इनके जो आगे वाला माउथ पार्ट है ये लंबा होता है ना, इसको स्नाउट बोलते हैं। क्रोकोडाइल का आगे का जो माउथ पार्ट है वो लंबा सा होता है, तो स्नाउट की तरह एंटीरियर बॉडी पार्ट होता है। जो इनके अंदर क्लोइका पाया जाता है, जो कॉमन ओपनिंग पाई जाती है, फ्रॉम कॉमन ओपनिंग इसकी जेनाइटल ओपनिंग, चाहे वो यूरिनरी ओपनिंग, चाहे वो इंटेस्टाइनल ओपनिंग, ये तीनों मिला के एक चैम्बर में खुलते हैं जिसको अपन क्लोइका बोलते हैं। वो क्लोइका जो है इनके अंदर वर्टिकली प्लेस्ड पाया जाता है। नॉर्मली क्लोइका जो है हॉरिजेंटल होता है, लंबा होता है, सीधा होता है, बट यहाँ पर जो क्लोइका है वो खड़ा हुआ रहता है, ठीक है, वर्टिकल रहता है। तो क्लोइका इज वर्टिकल,
का जो है वो वर्टिकली प्रेजेंट रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि रिब्स होते हैं वो टू हेडेड होते हैं। टू हेडेड रिब्स बोलने का मतलब जो रिब्स होता है उसमें कौन कौन से बॉडी पार्ट होता है, हेड रीजन होता है, नेक रीजन होता है और उसके अलावा बॉडी का पार्ट होता है। हेड, नेक और बॉडी, रिब्स का ये पार्ट होता है। तो जो हेड रीजन है ना वो बाइफर्केटेड होते हैं, मतलब उसके दो छोर होते हैं, ठीक। सो यहाँ पे जो इनका रिब्स है वो टू हेडेड होता है। यूरिनरी ब्लैडर जो है इनके अंदर एब्सेंट रहता है, यूरिनरी ब्लैडर नहीं मौजूद रहता। दैट मीन्स जो यूरिन का फॉर्मेशन होगा उसके स्टोरेज के लिए कोई भी यहाँ पे स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होगा, यूरिन फॉर्मेशन होगा और वो फ्लो आउट हो जाएगा, बॉडी के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सो नो यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या होता है, स्टोर करके रखते हैं यूरिन को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर, ठीक। उसके आगे अगर हम बात करें स्टर्नम मौजूद रहता है और एब्डोमिनल रिब्स मौजूद रहते हैं, इसको मैं मिटाता हूँ, उसके आगे ऊपर ही लिखना स्टार्ट करता हूँ। स्टर्नम मौजूद रहता है, एब्डोमिनल रीजन में इनके रिब्स मौजूद रहते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो स्टर्नम एंड एब्डोमिनल रिब्स आर प्रेजेंट, स्टर्नम और एब्डोमिनल रिब्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, स्टर्नम भी प्रेजेंट रहता है और एब्डोमिनल रिब्स भी प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब इनके लंग्स की जो कैविटी होती है ब्रोंकाइटिस, ठीक है, वहाँ पे लंग्स की कैविटी बॉडी कैविटी से अलग होती है डायग्राम की मदद से, ठीक है। मतलब लंग्स एक तरह से हो ना कि लंग्स का पार्ट थोरैसिक पार्ट और एब्डोमिनल पार्ट डायग्राम की मदद से अलग अलग रहता है। जैसे हमारे शरीर में होता है ऊपर वाला पार्ट जो है वो नीचे वाले पार्ट से अलग होता है, हमारे डायफ्राम जो है बीच में ही मौजूद रहता है जहाँ से नीचे जो है एब्डोमेन जो है स्टार्ट होता है, पेट स्टार्ट होता है डायफ्राम के नीचे, ठीक है। तो लंग्स की कैविटी क्रोकोडाइल की जो है वो बॉडी कैविटी से अलग होती है डायफ्राम की मदद से, मस्कुलर पोर्शन है डायफ्राम उसकी मदद से अलग होता है। हार्ट जो है वो परफेक्टली फोर चैम्बर्ड रहता है, ये बहुत जरूरी चीज। रेप्टाइल्स में एक एक्सेप्शन है ये कि हार्ट जो है कम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड रहता है। नॉर्मली रेप्टाइल्स में पढ़ते हैं कि तीन कम्प्लीट और एक इनकम्प्लीट चैम्बर होता है हार्ट का, बट क्रोकोडाइल्स में चार कम्प्लीट चैम्बर्स होते हैं। हार्ट हैज कम्प्लीट फोर चैम्बर्स, हार्ट जो है चार चैम्बर्स जो इसके पास कम्प्लीट होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर अगर बात करें एक सिंगल पेनिस मतलब पॉपुलेटरी ऑर्गन जो है प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे पॉपुलेटरी ऑर्गन पेनिस है इज प्रेजेंट, पॉपुलेटरी ऑर्गन जो है वो यहाँ प्रेजेंट रहता है। एंड नेक्स्ट अगर अपन बात करें टेल जो होती है इनकी लॉन्ग होती है और लेटरली कंप्रेस्ड होती है, मतलब कि टेल जो है इनकी पूंछ जो है इनकी वो लेटरली मतलब साइड से जो है वो कंप्रेस्ड रहती है, ठीक है, और लॉन्ग होती है। सो टेल इज लॉन्ग एंड लेटरली कंप्रेस्ड, लॉन्ग एंड लेटरली कंप्रेस्ड, मतलब दोनों साइड से, लेटरल रीजन बोलने का मतलब होता है दोनों साइड, दोनों साइड के पोर्शन से जो है वो कंप्रेस है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें हम यहाँ पे तो अच्छा एक इनका जो डायग्राम होता है वो मैमल्स के डायग्राम से एनालॉगस होता है, डायग्राम इज एनालॉगस टू मैमल्स। एनालॉगस का क्या मतलब होता है, डायग्राम जो है मैमल से एनालॉगस होता है, दैट मीन्स कि यहाँ पे अलग स्ट्रक्चर तो होगा पर फंक्शन सेम परफॉर्म किया जाएगा, यहाँ पे डिफरेंट एनालॉगस का मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सेम।
सेम फंक्शन, स्ट्रक्चर दो अलग अलग टाइप के होंगे पर फंक्शन जो है वो एक ही परफॉर्म करेंगे, सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे, दैट आर नोन एज एनालॉगस ऑर्गन्स। ठीक है, एग्जांपल में क्रोकोडाइल लेते हैं, क्रोकोडाइल जो है वो सिर्फ इंडियन कॉन्टिनेंटल एरिया में मौजूद रहते हैं। एलिगेटर होते हैं जिनको हम मैक्सिकन क्रोकोडाइल भी बोलते हैं, मैक्सिको साइड में एलिगेटर ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं। क्रोकोडाइल जो होते हैं वो सिर्फ इंडियन कॉन्टिनेंटल एरिया में मौजूद रहते हैं। उसके बाद अगर बात करें तो घड़ियाल, घड़ियाल जो पाया जाता है वो नॉर्मली गंगा नदी में या फिर ब्रह्मपुत्र रिवर में ज़्यादा तादाद में या ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो प्रजातियों की बात करें तो एक तो क्रोकोडाइल्स हो गए जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पास रहते हैं, दूसरी बात हो गई एलिगेटर्स की, तो एलिगेटर्स कहाँ पे आ गए, एलिगेटर्स आ गए मैक्सिकन रीजन में, मैक्सिकन जो एरिया है, मैक्सिको का एरिया है वहाँ पे जो है ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो मैक्सिकन क्रोकोडाइल का बोला जाता है। और फिर हो गए घड़ियाल, घड़ियाल जो होते हैं वो नॉर्मली इंडिया में गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर में ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका ऑर्डर क्रोकोडाइलिया जो कि रेप्टाइल्स के अंदर आता है, सुपर क्लासेस जो होती हैं, सुपर क्लास एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एस मैमेलिया। तो यहाँ पे जो रेप्टिलिया है सुपर क्लास उसके अंदर ऑर्डर क्रोकोडाइलिया आता है। इसके बारे में हमने जो भी डिटेल थी स्टडी कर ली, अगले वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे और भी क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ना और हायर क्वाड्रेंट्स के बारे में थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तब तक के लिए ये वीडियोज़ और पिछले वीडियोज़ सबको आप कंटिन्यूसली स्टडी करते रहिए।